तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आड़े नहीं आती हैं। ऐसी ही कहानी है डॉक्टर दिव्यता गर्ग की, जिन्हें मोस्ट क्रिएटिव पर्सन राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंखें भले ही साथ न दें, लेकिन हौसला हो तो सब कुछ संभव है। भोपाल की दृष्टिहीन डॉक्टर दिव्यता गर्ग ने यह साबित कर दिया है। दिव्यता को संगीत, कला एवं समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए कार्य एवं योगदान के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बेस्ट क्रिएटिव एडल्ट पर्सन विथ डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंतर्गत पिछले दिनों उन्हें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नई दिल्ली में यह पुरस्कार प्रदान किया। जी, बहुत खुशी हो रही है और नेशनल अवार्ड तो अपने आप में बहुत एक यूनिक सी अचीवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि अभी तक मुझे कई सारे अवार्ड मिले, नेशनल लेवल पे भी मिले हैं, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके हाथ से अवार्ड मिलना, उनके साथ खड़े होके उनसे मैं दो बात कर पाई, तो वो जो पल था वो मेरे लिए बहुत बहुत मेमोरेबल और वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ, ऐसा मैं कह सकती हूँ। बचपन में ही रेटिना पिगमेंटोसा नामक आंखों की बीमारी के कारण अपनी आंखों की रोशनी खोने के बाद भी डॉक्टर दिव्यता ने अपने जीवन में कभी अंधेरा नहीं छाने दिया। वर्तमान में केंद्रालय में संगीत शिक्षिका के रूप में कार्यरत डॉक्टर दिव्यता गर्ग ने संगीत में पीएचडी तो की ही, साथ ही इन्होंने पार्श्व गायन, लेखन और कला की विभिन्न विधाओं में भी अलग पहचान बनाई है। एक्चुअली मेरा शुरू से ही वोकल में इंटरेस्ट था, तो मैंने वोकल का एजुकेशन लेना शुरू किया, फिर इंस्ट्रूमेंट भी मैं प्ले करती हूँ, हारमोनियम, सितार, गिटार, सिंथेसाइजर, इसके अलावा म्यूजिक डायरेक्शन भी मैंने काफी सारे सॉन्ग्स के लिए किया हुआ है। काफी सारा कि बिना अपॉर्चुनिटी दिए किसी के बारे में डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि वो इंसान काबिल है या नहीं, तो मैं हमेशा ये कहती थी कि आप मुझे अपॉर्चुनिटी दीजिए, उसके बाद तय कीजिए कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। बुलंद इरादों वाली डॉक्टर दिव्यता बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। पेशे से शिक्षिका डॉक्टर दिव्यता ने गायन, वादन, लेखन, निर्देशन, हस्तकला के साथ साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी विशेष पहचान बनाई है। डॉक्टर दिव्यता गर्ग के सपनों को साकार करने में उनके पति अमित गर्ग का भी विशेष योगदान रहा है। डॉक्टर अमित गर्ग भी बचपन से दृष्टिबाधित हैं और उन दोनों की मुलाकात भी दृष्टिहीनों के लिए काम करते हुए हुई, जिसके बाद उन्होंने साथ जिंदगी गुजारने का फैसला लिया। एक बेटे और सास ससुर के साथ रह रहे इस परिवार में खुशहाली की रोशनी ने इनके जीवन से अंधकार को दूर कर दिया है। यदि इंसान का पक्का इरादा हो और हौसले बुलंद हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी उसकी कामयाबी में आड़े नहीं आती। डॉक्टर दिव्यता गर्ग ने, जैसे लोगों ने कहीं ना कहीं इस बात को सच साबित कर दिखाया है।